और क्या लोगों की जिंदगी 4:15 बजे के एक विधायक के फोन कॉल पर निर्भर है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये प्रॉब्लम्स कब खत्म होगी? आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ राघव चड्ढा, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। ये प्रॉब्लम्स कब खत्म होगी और कब हम उम्मीद करें कि ये जो बताया जा रहा है कि झारखंड से सिलेंडर्स मंगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इतने आ गए हैं, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, ये सब कब कंट्रोल में दिल्ली में आएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी से तबाही दिल्ली में मच रही है। सबसे पहले तो अंजना जी, डॉक्टर डीएस राणा जो एक हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के एक बहुत बड़े दिग्गज हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा कि मैं क्षेत्र का विधायक होने के नाते उनसे सहयोग कर रहा हूं जो हमसे बन पड़ रहा कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि कल रात को 4:15 बजे यानी कि सुबह के समय 4:15 बजे डीएस राणा साहब का मुझे फोन आया था। मैंने 1 घंटे में फोन उठाया, उन्होंने कहा कि मेरे अस्पताल में सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने उसी समय दिल्ली सरकार के एक आला आईएएस अधिकारी को फोन किया, उनसे दरख्वास्त करी कि गंगाराम अस्पताल में वेंटिलेटर बंद हो जाएंगे अगर नहीं पहुंची सप्लाई सही समय पे, तो क्या आप सुनिश्चित करते हैं सप्लाई? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने कंपनी वालों से बात करी, 45 मिनट में सप्लाई पहुंच जाएगी। 45 मिनट में सप्लाई पहुंच गई। तो इतनी वॉर फुटिंग पे हम सब, सरकार, लोकल विधायक और डीएस राणा साहब जैसे बड़े हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के आइकॉन साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको बताएंगे, हमने सुबह 4 बजे भी इनसे बात करी, 24 घंटे हम इनके संपर्क में है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा आपको अंजना जी, बिना किसी राजनीति करे और ना ही ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को एक दिल्ली के चश्मे से देखते हुए, इतना कहना चाहूंगा कि स्थिति बेहतर हुई है। ये कहना कि स्थिति बेहतर नहीं हुई है, ये कतई भी सही नहीं होगा। बीते कुछ दिनों से हमारी सरकार के अफसर, केंद्र सरकार के अफसर मिलकर बैठे, उन्होंने कई सारी जो परेशानियां आ रही थी, सप्लाई चेन के इश्यूज थे, सप्लाई के इश्यूज थे, क्वांटिटी रिलेटेड इश्यूज थे, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड इश्यूज थे, उनको दूर किया है और अभी सप्लाई बेटर हुई है। मैं आपको बता दूं कि 490 मेट्रिक टन की जो कमिटमेंट थी केंद्र सरकार की, उसमें से 350 से 400 के बीच में मेट्रिक टन हमारे पास आने लगा है। एक मिनट अंजना जी, मुझे खत्म करने दीजिए प्लीज, फिर आप कर लीजिएगा, 10 सेकंड दे दीजिए। 350 से 400 मेट्रिक टन हमारे तक आने लगा है, 490 तक की दूरी अभी लंबी है। मुझे पूरा विश्वास है कि सब साथ मिलकर काम करेंगे तो ये समस्या हल हो जाएगी। आज भी हमने हाईकोर्ट में ये दलील रखी कि दिल्ली सरकार को आसपास के राज्यों से, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जिन राज्यों से हम घिरे हुए हैं, इन राज्यों से अगर गैस मुहैया कराई जाए तो ट्रैवल टाइम कम लगेगा। अभी भी हमें जो ऑक्सीजन आ रही है वो बंगाल और उड़ीसा जैसे दूर दराज राज्यों से आ रही है। मुझे लगता है केंद्र सरकार भी इसे सकारात्मक तौर पर देगी। और आखिरी चीज अंजना जी, ये जो ऑक्सीजन की समस्या है, इसे दिल्ली के चश्मे से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, 4 दिन पहले अमृतसर के एक प्राइवेट अस्पताल में 6 लोग मरे, उत्तर प्रदेश के, चाहे वो आगरा का प्राइवेट अस्पताल हो जहां 12 लोग लगे, या सैकड़ों अस्पताल हो उत्तर प्रदेश के जिन्होंने सामने बोर्ड लगा दिया कि ऑक्सीजन सप्लाई के चलते आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अगर आएंगे तभी आपकी भर्ती होगी। बनासकांठा, राजकोट और सूरत के जितने भी अस्पताल हैं, उन्होंने लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के चलते मौतें हो रही हैं। यहां तक कि सूरज सिविल हॉस्पिटल के अंदर सप्लाई की इतनी कमी हो गई कि लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी। बीजेपी के मेरठ के सांसद को अपने बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब को चिट्ठी लिखनी पड़ी और कहना पड़ा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई है हमारे क्षेत्र में। तो कहने का समस्या यह है कि ये कोई दिल्ली की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश भर में एक ऑक्सीजन की कमी आ रही है। राघव चड्ढा जी, राघव चड्ढा जी, मैंने आपको पूरा बोलने दिया, आप मेरी बात सुनिए। रुको जरा, सब्र करो और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप एक युवा राजनेता हैं, राजनीति में अपने पहचान, अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये काबिले तारीफ है, लेकिन दो बात बड़ी खटकी। एक तो ये कि अपनी बात, अपना नाम सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ? What's happening? नंगा करके नहला रहा। और क्या लोगों की जिंदगी 4:15 बजे के एक विधायक के फोन कॉल पर निर्भर है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऑक्सीजन की कमी होगी 4:15 बजे, आपको कोई अस्पताल से फोन करेगा, आप ऑक्सीजन की वहां पर कोशिश करेंगे उपलब्धता करने की, फिर लोगों की जिंदगी बचेगी। ये हमारी व्यवस्था है। बीते दिन हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप बताइए। और क्या मौतें भी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हो गई? सर, मौतें बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की हो गई। आप अपने राज्य पर जवाब दे रहे थे, लेकिन सवाल ये है, बिल्कुल आपने तमाम राज्यों की बात की। सर, राजस्थान में भी मौतें हो रही हैं, दिल्ली में भी हो रही हैं, राजधानी की बात है। नहीं, परेशानी इस बात से है कि आप मुस्कुरा गए, लोग मर रहे हैं।
राघव चड्ढा जी, बीजेपी के लॉयल राघव चड्ढा जी लोग मर रहे हैं। मैंने राघव चड्ढा जी बात करी, मैंने शुरुआत में राघव चड्ढा जी मुस्कुराहट पर आपको टोक दिया तो बीजेपी की लॉयल्टी पर आ गए। जिससे सवाल पूछिए बर्दाश्त नहीं होता है, जिस पार्टी से सवाल पूछिए वो बर्दाश्त नहीं होता है। और सवाल ये है कि आपसे अगर अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें मुस्कुराने की कौन सी बात है सर? अपनी खुशी को थोड़ा छुपा कर रखिए, पीठ थपथपाना कम कीजिए और सवालों का जवाब दीजिए। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां चोर भी ना हो, जहां भ्रष्ट भी न हो, बस आपका राज चले। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नूपुर शर्मा जी, आज हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार कब 480 मीट्रिक टन, आप अपनी कोशिशें में पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। राघव चड्ढा जी, यही आप लोगों की दिक्कत है। बीते दिन जब हाईकोर्ट के जजेस के लिए आपने 100 बेड रखे थे और आपको बहस में बुलाया तो आप बहस से गायब हो गए, आप बहस से भाग गए, आप बहस में शामिल नहीं हुए। जब आप फ्रंट फुट पर रहते हैं तो आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं, मीडिया पर टिप्पणी करने में आपको अपनी वाहवाही दिखती है, लेकिन बीते दिन क्यों भाग गए थे? आपके पास जवाब है? नहीं। आपके पास, आप क्यों भाग गए थे बहस से? आप भाग गए थे, आम आदमी पार्टी ने कोई प्रवक्ता नहीं दिया। सवाल यह है कि आजकल सवाल पूछना किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। नूपुर शर्मा जी, ये सब निभाए हुए फॉर्मूला है। राघव जी, बड़ा पुराना फॉर्मूला अपना रहे हैं, अपने प्रवक्ताओं का बहुत पुराना फॉर्मूला अपना रहे हैं। बाज आइए इससे, बाज आइए, सवालों का जवाब दीजिए और किसी की मौत पर मुस्कुराना बंद कीजिए, ऑक्सीजन की कमी पर अपनी पीठ थपथपाना बंद कीजिए। खत्म गया।